हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वेज पराठा। ये पराठा बहुत हेल्दी होता है और बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। ये वेज पराठा बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप भी इस वेज पराठा को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हेल्दी सा नाश्ता बनाने का प्रोसेस। हमने इसके लिए आटा लिया है लगभग 3 कटोरी। कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हैं। पालक, पालक मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके रखा हुआ है। गाजर, एक गाजर मैंने यहाँ पे बारीक कद्दूकस करके रखा हुआ है। और ये पत्ता गोभी, कैबेज, कैबेज थोड़े से मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाला लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर 2 चुटकी। आटा गूंदने के लिए मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे आज दूध से गूंदने वाली हूँ, जिससे पराठे बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट होते हैं। पराठा बनाने के लिए हमें कोई भी ऑयल यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाने की विधि। आटे में सबसे पहले हमें मिला लेना है नमक। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नमक के बाद मैंने इसमें मिलाया थोड़े से चाट मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको सादा बनाना है तो आप इसे यूज़ नहीं भी कर सकते हो, वैसे भी पराठे टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। अब मैं आटे में सारे चॉप किए हुए सब्जियां मिलाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। मैं सारी सब्जियां एक साथ आटे में मिला दूंगी। आटे में अच्छी तरह से सब्जियों को मिला लेना है, ताकि आटा और सब्जी सारी एक साथ बिल्कुल मिल जाए और सब जगह एक समान फैल जाए। ये देखिए सब्जी अच्छे से मिल दिया है मैंने आटे में। अब हमें दूध लेना है इसे गूंदने के लिए। इसे हम मुलायम गूंदेंगे, जैसे रोटी का आटा हम लगाते हैं। ये इस तरह से दूध की हेल्प से हम आटा अच्छे से मुलायम गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा आटा रेडी है। ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार है पराठा सेकने के लिए। अब हमें पराठे बनाने हैं इसके। इस तरह से लोई लेके हम अपने मनपसंद आकार के पराठे बना सकते हैं इसके। अब हम अपने मनपसंद आकार से पराठे का शेप दे देंगे। ये इस तरह से मैं पराठा बेल लूँगी। पहले आप किसी भी शेप में पराठा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया है। पहले तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। अब हमें इसे सेकना है। तवा गर्म है, मैंने पराठे डाल दिए। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक रहा है। दूध से गूंथे होने की वजह से ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट होता है। सावधानी से इसे बना लें। थोड़े थोड़े ऑयल की हेल्प से आप इसे अच्छे से सेक लें। ये देखिए इस तरह से सिक गई है पराठा। हम दूसरा पराठा भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा रेडी है। इस तरह से पराठे सेक लेंगे हम। और इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरी अगली रेसिपी भी आप तक पहुंच सके।